यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करें। धन्यवाद। मॉस्को में भारतीय समाज बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कर रहा है आपको। प्रधानमंत्री जी, 9 साल के बाद भारतीय समुदाय मॉस्को में आपको पाकर बहुत ही भाव विवल है और आपके आशीर्वचन का अपेक्षित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आप अपने आशीर्वचन से भारतीय समाज को कृतार्थ करें। धन्यवाद। नमस्कार। प्रियत मस्क्वा, काग देला, आपके लिए लेकर के आया हूं और ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है। वैसे साथियों, आज 9 जुलाई है और आज के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। शायद आपके लिए ये शब्द भी नया होगा। भारत में जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं गांव में, हम उनको इतना एम्पावर करना चाहते हैं
उतना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे तीसरे टर्म में गांव की वो जो गरीब महिलाएं हैं उसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने, यानी उनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो और हमेशा के लिए हो, बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन जब आप जैसे साथियों के आशीर्वाद होते हैं ना, तो बड़े से बड़े लक्ष्य बहुत आसानी से पूरे भी होते हैं। और आप सब जानते हैं आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसीज से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैं जब 2014 में पहली बार आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया तब कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप हुआ करते थे, आज लाखों में है। आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है, और यही मेरे देश के युवाओं का पावर है, वही उनकी शक्ति है। और दुनिया भी हिंदुस्तान के नौजवानों की टैलेंट को देखकर अचंभित भी है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना। वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं